हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। तो दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि वो हॉस्टल पे रहें या फिर रूम लेके रहें, ठीक है। तो आप में से कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर इस पे भी एक वीडियो बनाई जाए, ठीक है। तो आज हमने सोचा कि इस पे एक वीडियो हम बना लेते हैं, हॉस्टल वर्सेस रूम करके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली दोस्तों यही जानेंगे कि इनमें से क्या बेस्ट है, ठीक है, हॉस्टल या रूम में से क्या बेस्ट है, ठीक है, कौन अच्छा है इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें जानेंगे कि हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज होती है, क्या क्या फैक्ट हैं हॉस्टल में रहने पे, और क्या रूम पे रहने पे बेनिफिट हैं, क्या डिसएडवांटेज उसमें है करके, ठीक है। तो फर्स्ट में हम जानते हैं हॉस्टल के बारे में, ठीक है। तो हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ, इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहला एक सॉरी ठीक है, सबसे पहला जो फैक्ट है, देखिए हॉस्टल में देखिए कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिंगल एकांत में अपना एक अकेले पढ़ाई करना पसंद करते हैं, ठीक है। स्टडी के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको देखें तो हॉस्टल में क्या होता है, आप अदर स्टूडेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे, क्योंकि हॉस्टल में ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक स्टूडेंट को एक रूम प्रोवाइड किया जाए, उस पर हो सकता है आपको दो तीन लोगों को मिलकर, दो या तीन लोगों को मिलकर रूम को शेयर करना पड़े, ठीक है। तो उससे काफ़ी, अगर आपको पसंद है कि आप अकेले में स्टडी करना पसंद करते हैं, तो साथ में कहीं ना कहीं आपको एक डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो एक जमावड़ा आपके रूम में शाम को बन सकता है, सिंपल अगर बात कहें तो, ठीक है। तो जनरली काफ़ी स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि साथ में रहते हैं उसका। दूसरा जो फैक्ट है, ठीक है, दूसरा अगर हम कॉस्ट की अगर बात करें, ठीक है, जो कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, देखिए वैसे रूम और हॉस्टल में लगभग एवरेज सेम आ जाता है उसमें, पर हॉस्टल में आपको ऐसा होता है कि कॉस्ट थोड़ा कम, रेंट की जो बात होती है उस पर थोड़ा कम आपको, बहुत कम मतलब रेंट के नाम पे कम देना पड़ता है, बाकी अदर खर्चे लगा के बात औसत जो होती है वही आ जाती है उसकी, ठीक है। तो ये है कॉस्ट की। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों हॉस्टल में, देखिए तीसरा जो फैक्ट है मेन, खाना आपको क्या होता है, मेस में बनता है, ठीक है, खुद नहीं बनाना पड़ता, बट खाना आप अपनी पसंद का कहीं ना कहीं उस पर डेली आप अपनी पसंद का मतलब उस पर एक प्रेफर नहीं कर सकते, या वो मेस में उनकी कॉलेज की तरफ से मर्जी है कि वो क्या खाना उसमें बनाते हैं, कैसा खाने की क्वालिटी है, वो सब उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो खाने का कम से कम ये आप उस पर एक फैक्ट है, ठीक है। चौथा, अदर जो फैसिलिटीज़ है, क्या कहते हैं, टॉयलेट बाथरूम वगैरह, वो कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो उस पे भी कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो हॉस्टल में जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता है करके, ठीक है। एडवांटेज इसका एक ये है कि आपको स्पोर्ट्स वगैरह का इसमें बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स में आपको कॉलेज की तरफ से डेली आप वहाँ पर खेल सकते हैं और ग्राउंड आपको प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। और बाकी आप अगर रूम पे रहते हैं, नियरली कॉलेज के नियर अगर रहते हैं, तो वहाँ से भी आप उसमें कॉलेज स्पोर्ट्स उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रूम से वहाँ नहीं जा सकते, अगर आप उस कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका पूरा हक बनता है उसमें, ठीक है। तो ये बात थी कुछ हॉस्टल के कुछ फैक्ट्स से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, वो है रूम। अच्छा, रूम पे क्या होता है, देखो रूम पे सबसे बड़ा फैक्ट मैं आपको बताऊं वो ये है, एक आप मैनेजमेंट सीखते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट वहाँ पर आप सीखते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट से क्या मतलब है, देखिए ये मैनेजमेंट जो शब्द है ये आगे आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि देखिए आप कभी कंपनी में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो एक मैनेजमेंट आप वहाँ पर सीखते हैं रूम पे। अब मैनेजमेंट किस तरीके से सीखते हैं, देखिए सुबह उठना है, उठने से लेके कॉलेज जाना है, घर आना है, खाना बनाना है, शाम को कपड़े धोना वगैरह, सब कुछ आप एक शेड्यूल की तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। और आप एक टाइम को मैनेज करना उसमें सीखते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि रूम में रहने का, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, आपका जैसे खाने के संबंधित में अगर हम बात करें, तो खाना आपके जैसे जब आप जो चाहें वो अपने अकॉर्डिंग खा सकते हैं, जितना प्योर आप खा सकें उतना प्योरिटी आप उसमें रख सकते हैं, ठीक है। और तो खाने के इसमें ये एक फैक्ट है। बाकी अब हम अगर तीसरा इसमें अगर हम बात करें, जो तीसरा जो टॉपिक है, अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो कॉस्ट देखिए काफ़ी, रेंट तो आपका होता ही है, रेंट है और खाने से संबंधित है, तो वो उसका आपका खर्चा आप
वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, बाकी औसत उसका सेम आ जाता है। अगर आप डेली मोमो चाउमीन वगैरह अगर खा रहे हैं, फास्ट फूड अगर इस तरीके से आप खर्च कर रहे हैं, तो जनरल सी बात है कि आपका ये काफ़ी कॉस्ट आपका आएगा ही उस पर, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे एक मैनेजमेंट करना जानते हैं, तो आप उसको एक हॉस्टल की तरह उसको मैनेज कर सकते हैं रूम पे। बाकी स्टडी से रिलेटेड आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, स्टडी में ऐसा होता है रूम पे आपका जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं उनसे जो कांटेक्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि देखो इसमें ऐसा होता है आपके जो बेस्ट फ्रेंड वगैरह हैं वही आपके रूम पे विजिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक कोई भी स्टूडेंट आपके रूम पे आ जाएगा, जैसे हॉस्टल में कम से कम 40-50 लोग भी अगर रह रहे हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अदर स्टूडेंट्स के आप कांटेक्ट में रहते हैं। तो स्टडी के से रिलेटेड तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप रूम पे ही रहिए, ठीक है। रूम पे आप अगर अकेले रूम ले रहे हैं तो वो बेस्ट है आपको स्टडी, बाकी वो आप पे में डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये है मेन फैक्ट। और टॉयलेट बाथरूम ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके का रूम लेते हैं, रूम पे इस पे इसकी फैसिलिटी और थोड़ा अच्छी रहेगी हॉस्टल की अपेक्षा। बाकी तो दोस्तों ये कुछ एक रूम के फैक्ट हैं, और सबसे बड़ा इसमें फैक्ट वही है कि आप मैनेजमेंट सीखते हैं रूम पे रहने पे, ठीक है। तो यह है, ठीक है। तो अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको बोल रहा था कि कंक्लूज़न जो आएगा इसका, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आपको रहना है, ठीक है। तो इसमें अब देखिए, अब यहाँ पर मेन चीज़ है कि कौन सा अच्छा है। अब हमने हॉस्टल के बारे में भी जाना, ठीक है, हमने रूम के बारे में भी जाना, अब देखिए इनमें से बेटर कौन सा है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों, रूम पे रहने पे आपको काफ़ी बेटर हो सकता है। पहले से तो वैसे हॉस्टल में क्या था कि फर्स्ट ईयर में ही रखते थे, बट अब एंटी रैगिंग फॉर्म वगैरह भरने लग गए हैं तो रैगिंग का उसका कम हो चुका है, इसलिए थर्ड ईयर तक भी रूम हॉस्टल ओपन रहते हैं। बट जो रूम है, रूम में आपको कहीं ना कहीं अच्छा उस पर रहेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग कि रूम पे आप अच्छा एक मैनेजमेंट और ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है उससे, ठीक है। और अदर स्टूडेंट से कांटेक्ट आपका कम रहता है, तो वो आपको डिस्टरबेंस जो है वो आपका कम हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें रूम पे को मैं ज़्यादा उसमें मतलब प्रेफर करना चाहूँगा कि रूम एक बेस्ट है हॉस्टल की अपेक्षा। तो बाकी वो आप पे डिपेंड है कि आप कहाँ आपको उतना सही लगता है करके, ठीक है। मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए कि हॉस्टल में क्या होता है, रूम पे क्या होता है, ठीक है। तो बाकी वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट और सीखने के लिए रूम पे आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और अपना सेल्फ अपने आप पे खुद का ही आपका वो रहेगा, दूसरों पे ज़्यादा वो नहीं रहेगा, ठीक है। अपना जब आपको खाने का मन हो आप वो खा सकते हैं, तब ना उस टाइप तरीके से बना सकते हैं। जबकि हॉस्टल में क्या होगा, एक टाइमिंग होगी, एक शेड्यूल होगा उसका, और क्वालिटी वो सब चीज़ तो कॉलेज पे डिपेंड है कि क्या खाने की क्वालिटी है, क्या क्या है करके ना, तो वो सारी चीज़ें तो आप वहीं से कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको ये माइंड में क्लियर हो गया होगा कि कहाँ एक हॉस्टल, और उसमें जो जनरल आइडिया मैंने आपको दिया, जो एक्सपीरियंस जो हम देखते हैं और जो हमने देखा है और जो फील किया है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कैसा लगा वीडियो में आपको, क्या थोड़ा कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं त्रिशक्ति एकेडमी के नाम से, और अदर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बेल आइकन दबा सकते हैं फॉर नोटिफिकेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।